नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की इसके डिफरेंट ऑफिसेज में। तो आज हम आपको इन वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे पेज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर और लोकल लैंग्वेजेस के बारे में, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो और आप इस भर्ती की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 7 जनवरी 2019 और लास्ट डेट है 27 जनवरी 2019। फीस भी आप 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की संभावित तिथि है फरवरी 2019। और वैकेंसी के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि जोन वाइज ये वैकेंसी आई है। ईस्ट जोन में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं महाराष्ट्र, इसमें विदर्भ रीजन शामिल नहीं है, गोवा, इसके अलावा दादर नगर हवेली, गुजरात और दमन और दीव। नॉर्थ जोन में शामिल किए गए हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। वहीं साउथ जोन में शामिल हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडिचेरी, केरला और लक्षद्वीप। जो सेंट्रल जोन में राज्य शामिल है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप इनमें से किसी एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है। लोकल लैंग्वेज के बारे में आगे हम आपको बता देते हैं। तो जोन वाइज लोकल लैंग्वेज इस प्रकार है, नॉर्थ जोन की है पंजाबी, हिंदी, उर्दू और कश्मीरी। वहीं साउथ जोन की है कन्नड़, तमिल और मलयालम। ईस्ट जोन की है उड़िया, असमी, बंगाली, मणिपुरी, खासी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बोडो और मिजो। वेस्ट जोन की है गुजराती, मराठी और कोंकणी। सेंट्रल जोन की है हिंदी, तेलुगु और मराठी। आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और आपको इनमें से जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा, तभी आपको शामिल किया जाएगा फाइनली मेरिट लिस्ट में, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप जोन चुनने से पहले एक बार ये देख लें कि आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। तो आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए ही आप आवेदन करें। तो साथियों, आपको जोन वाइज स्टेट का पता चल गया, साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज का भी पता चल गया। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। जेई सिविल के लिए ईस्ट जोन में वैकेंसी आई है 2, वेस्ट जोन में आई है, नॉर्थ जोन में आई है 3, साउथ में आई है 1 और सेंट्रल में आई है 2। इनमें एससी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, वहीं एसटी की सिर्फ एक वैकेंसी आई है वेस्ट जोन में। ओबीसी की वैकेंसी 5 है, जिनमें से एक ईस्ट में, 2 वेस्ट में, 1 नॉर्थ में और 1 है सेंट्रल में, बाकी वैकेंसी जनरल की हैं। बात करें अगर हम जेई इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए कोई वैकेंसी एससी की नहीं आई है। एसटी की एक वैकेंसी आई है वेस्ट जोन में, वहीं ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं, 1 वेस्ट में और 1 नॉर्थ में, बाकी 6 वैकेंसी हैं जनरल की। तो इस प्रकार ईस्ट में 1 वैकेंसी है टोटल, वेस्ट में 4, नॉर्थ में 2, साउथ में 1 और सेंट्रल में 1, टोटल वैकेंसी है 9। साथियों, एक बात और हम आपको बता दें कि जहां भी एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी नहीं है वहां उन्हें एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आपकी वहां वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल की एज के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भर सकते हैं, आपको अपर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हालांकि एस एस टी पी एच कैंडिडेट को फीस में सिर्फ 50 रुपये जमा कराने होंगे इंटीमेशन के, बाकी उनको फीस माफ होगी। लेकिन ओबीसी वालों को ना तो फीस माफ होगी ना ही एज में रिलैक्सेशन मिलेगा उस जोन के लिए जहां उनके लिए वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी के बाद अब बात कर लेते हैं हम पे स्केल की। तो पे 21 या 400 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज है 1/1/2019 को काउंट होगी और 20 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2/1/1989 से लेकर 1/1/1999 के बीच में हुआ होना चाहिए। और अपर एज में रिलैक्सेशन उन वैकेंसी के लिए जो रिजर्व हैं, एस एस टी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का दिया जाएगा, साथ ही पी एच कैंडिडेट को 10 साल का दिया जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी के लिए विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट अलाउ नहीं है। एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन ये किसी भी सूरत में 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक्स सर्विसमैन अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। विडो, डावोस्ट और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो 1/1/2019 को काउंट होगी। जेई सिविल के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, कम से कम 65% मार्क्स के साथ। वहीं जो एस सी एस टी है उनके लिए और पी एच कैंडिडेट के लिए 55%, या फिर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, एस एस टी पी एच के लिए 45%।
जेई इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो उसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा हुआ आपके पास इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कम 65% मार्क्स के साथ, एसएससी पीएच के लिए 55%। वहीं जो डिग्री वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कम से कम 55% मार्क्स हो जनरल ओबीसी के लिए और 45% हो एसएससी पीएच के लिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जेई सिविल के लिए कम से कम 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, या फिर जो डिग्री वाले हैं उनके लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, जो कि हो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर सिविल मेंटेनेंस वर्क में, ऑफिस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में, विद बेसिक नॉलेज ऑफ आरसीसी डिजाइन एंड अदर सिविल वर्क्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ टेंडर फॉर सिविल वर्क्स, ये आपके पास होना चाहिए। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए और डिग्री वाले हैं तो 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए किसी लार्ज बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग्स में, जैसे हाई टेंशन लो टेंशन सब स्टेशन में, सेंट्रल एसी प्लांट्स में, लिफ्ट में, यूपीएस में, डीजी सेट्स में, सीसीटीवी में, फायर अलार्म सिस्टम में, और ये सब आपके पास योग्यता प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। और आपके पास जो भी योग्यता है वो 1/2019 को होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका रिजल्ट वेबसाइट पर आ गया है तो इसके संबंध में आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपका रिजल्ट 1/2019 तक आ चुका है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम और उसके बाद LPT के थ्रू, LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं आपको कौन सी भाषा उनमें से एक चुननी है। जो एग्जाम होगा वो 300 अंकों का होगा और 2019 में संभावित है। इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, वहीं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर फर्स्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, पेपर सेकंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इस प्रकार 180 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 300, समय होगा 150 मिनट। और जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम में सेलेक्ट होंगे उनको LPT के लिए बुलाया जाएगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उनको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। जो लोकल लैंग्वेज है वो जोन वाइज बताई हुई है, हमने पहले हम बता चुके हैं आपको, उनमें से कोई एक आपको लोकल लैंग्वेज चुननी होगी। और जो कैंडिडेट ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं पाए जाते हैं उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले हमारी सलाह एक बार फिर है आपको कि आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाकी लोकल लैंग्वेज देख लें, अगर आपको उनमें से कोई भी एक लोकल लैंग्वेज आती है तभी आप आवेदन करें। जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा और आपको प्रत्येक पार्ट में अलग अलग पास होना होगा। साथ ही इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए 2019 में उनका रोल नंबर और लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें कि जो एग्जाम होगा इसमें अगर एक से ज्यादा सेशन में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और LPT तीनों को क्वालिफाई करने के बाद रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पर होगा। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। एग्जाम सेंटर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अगरतला, अहमदाबाद गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, इसके अलावा लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली NCR, पणजी, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। तो ये सेंटर होंगे आपके एग्जाम के। बात करें हम इनिशियल पोस्टिंग की तो आपको ईस्ट जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, शिलोंग, अगरतला, गंगटोक, आइजोल, इम्फाल, वेस्ट जोन में अहमदाबाद, मुंबई, बेलापुर, बायकुला, पुणे, पणजी, नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, देहरादून, नई दिल्ली, रांची और साउथ जोन में बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, सेंट्रल जोन में भोपाल, रायपुर, नागपुर, हैदराबाद में किसी भी एक ऑफिस में मिलेगी और उसी ऑफिस में मिलेगी जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो फीस ₹50 है SST PH कैंडिडेट के लिए, साथ ही एक्सर्विसमैन के लिए, और ₹450 है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए। और साथियों ये फॉर्म आप www.rbi.org.in पे जाके वहां से ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इंपोर्टेंट डेट एक बार हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 7 जनवरी 2019 और लास्ट डेट है 27 जनवरी 2019। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।